इनोवेटिव ज़रूर है बिकॉज एक तो इसमें टेलीविजन का कोई प्रेशर नहीं है और सही में कहूँ तो अगर ये सिंगर्स जो है उनको एक फ्यूचर बहुत ज़रूरी हो जाता है इनके लिए आफ्टर यू बिकम यू गेट चोजन एज द विनर उसके बाद क्या तो उसके बाद जो टाई अप है यूनिवर्सल म्यूज़िक का और मैक्स लाइफ का एक एल्बम रिकॉर्ड डील आजकल एक अच्छा सा एल्बम बनाना एक आर्टिस्ट के लिए आसान नहीं है एज अ विनर ऑफ मैक्स लाइफ यंग सिंगिंग स्टार्स आपको एक एल्बम यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ के थ्रू हम रिलीज करने का चांस मिलता है और उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में रूबरू इंटरेक्ट करना और उनके साथ में काम करना उनकी मेंटरशिप लेना ये एक मौका मिलता है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आजकल कंपोजर्स जो है वो टैलेंट काफ़ी कमाल का है हमारे देश में और काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए सिंगर्स हैं तो हर किसी सिंगर को सुनना इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट बट विद यूनिवर्सल म्यूजिक्स उनका जो टाई अप है कंपोजर्स के साथ आर्टिस्ट के साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग है इतना बेहतरीन है कि ये सिंगरों को मौका मिल जाता है ये पहला नहीं दूसरा इनका हाँ जी बिल्कुल ये दूसरा सीजन है आई थिंक मैं इस चीज़ से इतना रिलेट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसी जर्नी से आई हूँ जहाँ एक दिन मैं कुछ नहीं थी और आज मुझे इतना मौका मिल रहा है सलीम सर के साइड में खड़े हो गए इंटरव्यू देने का और मैक्स लाइफ से जुड़ने का तो मैं समझती हूँ कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं जो पूरा प्रोसेस है ऑडिशंस देने का हमें सेलेक्ट करने का जो एक डर होता है अंदर मैं वो उन सब चीज़ों से रिलेट करती हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग सो आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी इजी आई थिंक डिजिटल मीडियम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पहले अगर आपको आर्टिस्ट ढूंढना पड़ता था आपको रियलिटी शोज़ का सहारा लेना पड़ता था ARs कभी बार में बैठे रहते थे कि कहीं तो कोई अच्छा सिंगर गाएगा लेकिन क्योंकि आज सब कुछ एक YouTube ऐसा मीडियम है जहाँ आप अपना टैलेंट बस डाल सकते हैं एंड यू नो यू कैन जस्ट पिक इट अप कंपोजर्स लाइक सलीम एंड मेनी मोर कैन जस्ट सी कि वाओ ये बंदा कितना अच्छा गा रहा है तो यू कैन जस्ट पिक इट अप सो आई थिंक डिजिटल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग है अपना अच्छा निभाने की या करने की आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अभी तक इन्होंने मुझे कुछ काम नहीं दिया लेकिन अगर ये मुझे इशारों आपने गाने बोला नहीं फिर भी गा दिया अब बोलो आप इतने सिंगर्स को सुनते हैं और आपने कहा कि मतलब सबको सुनना इतना आसान नहीं है आप क्या देखते हैं आप क्या क्या ढूंढते हैं एक सिंगर में मैं पहले तो वॉइस क्वालिटी ढूंढता हूँ सुर ताल तो ऑफकोर्स बेसिक ही है बट वॉइस क्वालिटी और एक गायकी में रुदारी लाइक यू नो सिंग विद योर हार्ट विद योर सोल फील ढूंढता हूँ मैं उसके अलावा वर्सेटैलिटी भी ढूंढता हूँ मैं काफ़ी कुछ ढूंढता हूँ यार मैं बहुत मांगता हूँ सिंगरों से मेरी मांग बहुत बहुत स्ट्रांग है मैं चाहता हूँ कि मेरा हमारा जो सिंगर जो गाना गाए वो हर तौर पे यू नो तैयार हो क्लासिकल भी गा सके रॉक गाना भी गा सके गज़लें भी गा सके और यू नो उनको हर म्यूज़िक की हर स्टाइल की तालीम हो और उसके अलावा एक अच्छी वॉइस क्वालिटी भी हो इंसान अच्छा हो तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मैं ऑनेस्टली जो इतने इतने कमाल के सिंगर्स रियलिटी शोज़ के थ्रू
हमें मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो आई जीनियस है, जहाँ पे इट्स नॉट अ टीवी मीडियम बट फिर भी इतने अच्छे अच्छे फनकारों को आपने सुना, अभी इतने कमाल की वॉइस क्वालिटी है उनकी, इतनी छोटी सी उम्र में भी इतना अच्छा गा लेते हैं, तो ये बेशक हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू नो वी गेट टू एक्सपीरियंस दीज वॉइसेस एंड और यहीं से होता है। हमने कई सिंगरों को ऐसा मौके दिए हैं पहली बार फिल्मों में गाने के लिए, इसी जो रियलिटी शो से निकले हैं या कॉन्टेस्ट से निकले हैं, ऐसे कई लोगों को हमने चांस दिया है। ऑलराइट।